हेलो खमागणी सबकम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। मैं घर आ गई हूँ ऑफिस से। ये मेरा लंच टाइम है और यहाँ मुझे लग रहा है कुछ तो चल रहा है। क्या चल रहा है मैं देखती हूँ। ओहो, यहाँ चल रहा है फोटोशूट। और मामा क्यू को क्या बनाया है आज आपने? कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, मेरा बच्चा कहना के दो पोनी बना। मामा ये तो बेबू जैसे लग रहे ना। देखना हुकुम, देखना हुकुम। आप बोल रहे थे ना अभी कि हंसनी रही और मुझे देख के देखो क्यों कौन आया। क्यों मम्मा, क्यों मम्मा, मम्मा क्यों मम्मा आ गया, मम्मा आ गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आ गया। इधर से ऐसा हुआ, मैं इसका फोटो लूंगा एक दो यार। लोगे क्या अपने हाथ आते हैं, चलो आप फोटो क्लिक करो। क्यों मम्मा इधर देखो, क्यों मेरी तरफ देखो। मामा 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 आ गया है ना। भूखी लग गई मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को भूखी लग गई। क्यों मामा आज आपने अच्छे बाल बनाए इसके। एक छोटी के बाल निकल जाते हैं। बाल नहीं मम्मा, ये सही किया आपने। पर मामा वो छोटा वाला कॉम्ब यूज किया करो, बड़े वाले कॉम्ब से तो इसके वो हाँ इसका जो कॉम्ब है ना। मामा ये मेरा बच्चा आज तो पिंक पिंक हो रहा है मम्मी। और ये देखो हमारे कैमरामैन, ये देखो हमारे कैमरामैन जी। अरे दादी चाके माँ बोलते हुए आते हैं। दोनों पिंक पिंक पहन के रखा है दादी पोती ने। क्यों मम्मा, क्यों मम्मा, मम्मा 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 क्यों मम्मा। इधर देखो मम्मा आ गए, मेरे बच्चे को भूखी लग रही है ना। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। बहुत ट्राई किया भैया। आई फोटो अच्छी दिखाओ ना, दिखाओ 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 दिखाओ। बैक कैमरा करो जब पता लगे। कैसी लग रही मम्मा पिक्चर्स इसकी? अच्छी लग रही है। दादी चा को देख रही है। देखो इधर और देखते जाओ। देखो मैंने दो चोटी बांधी मेरे काना के। दादी चा ने भी ले रहा पेना, इसने भी ले रहा पेना। मेरा बेटा मेरा बेटा की दो दो चोटी बांधी। एक चोटी तो इसके आ जाती है, मुंह में बाल आ जाते हैं इसके। देखो और रे मनी प्लांट को खींच रहा था ये गड़ा गड़ा। मनी प्लांट को तोड़ेगा ये, देखो नंगू पंगू। ये कमरे में, ये कमरे का मस्ती कर रही थी। सारी अभी लिए मैंने मेरे मोबाइल से ही। मस्ती कर रही थी, फोटोस आई है देखो। मस्ती कर रही थी, मस्ती बहुत मस्ती करती है। दिन भर दादी चा के साथ रहती है, दिन भर ऐसे करती रहती है। हम दादी पोती ऐसे खेलते रहते हैं, ऐसे खेलते रहते हैं दोनों ही खेलते रहते हैं हम। ये देखो कितनी प्यारी चोटी लग रही है उसकी दोनों यार, कितनी प्यारी चोटी लग रही है ना। क्या करूँ, मैंने दो चोटी बांध दी उसके, है ना। हाँ बाल भी खेल रही थी। मैंने दो चोटी बांध दी उसके, वो मनी प्लांट से खेल रहा था। मैंने दो चोटी बांध दी उसके, एक चोटी बांधू तो बिखेर देती है, आंखों में आ जाते मेरी। पकड़ पकड़ खींच रही थी वो बाल। मैंने चोटी बांधी, पकड़ पकड़ के खींच रही थी। मेरा बेटे को जो बनी प्लांट नहीं तोड़ने दे रही, जो मुंह पोला लिया उसने। फोटोशूट हो गया आज उसका। घर बैठे बैठे कर दिया उसके पापा ने। हाँ घर बैठे कर दिया। बहुत सुंदर नजर नहीं लग जाए मेरी छोरी के। तू 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 तो पोनी बना दी मैंने उसके। कभी एक बनाती हूँ, कभी दो बना देती हूँ उसके। यही करती रहती हूँ, हम दोनों यही करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कितनी प्यारी फोटो है ये वाली। देख रही थी मैं इधर इधर घूम घूम के, बस हो गया। ये वाली पूरा पीछे वाली भी देखो। ऐसे करती है शैतानी वो। कैसी लगी मम्मा फोटोज? अच्छी लगी है, अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी ना। दोनों दादी पोती ने एक ही ड्रेस रहते हैं, खेलते रहते हैं, दिन भर ऐसे काम करते रहते हैं। निकल जाता ना ऐसे टाइम, ऐसे टाइम निकल जाता है हमारा। आज तो उसने मुझे कुछ भी काम नहीं करने दिया, काम ही नहीं करने दिया। 11 बजे सुला के गए मम्मी, और आधे घंटे में तो क्या वो जगी वापस। अच्छा, वो सारा काम ऐसे पड़ा का पड़ा ही रह गया। फिर मैंने 12 बजे थोड़ा उसको खिलाया और फिर सुलाई, फिर 15 मिनट में वापस जगी, 6:30 अच्छा। फिर थोड़ी सी देर सुलाई वापस, फिर तो आ गया। कितनी देर? 15-20 मिनट की नींद। 15 मिनट सोती हूँ, थोड़ा सा आगे खेलेगी, थोड़ी सी देर सोएगी। मैं सोचू कुछ काम कर लूँ,
फिर जग जाती है। मैं बस बैठी रहूंगी तो खेलती रहेगी, मैं इधर उधर होई रोने लग जाएगी। देखो 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 क्यों वहां से घूमते घूमते यहाँ तक आगे, रुकुम देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ तक जाती है। आजकल जल्दी चले या? हाँ तेरे को पलंग पर लेट जाओ, अब बस यहाँ घूमती रहे सारा पलंग पर, देखती हो क्योंकि घूमती रहे बस देखती हूँ। रुकुम यहाँ से नीचे नहीं जा रही हो, देख रहे हो आप? अगर आपने आंखें खोल दी तो फिर रोगी, अगर आपने आंखें बंद कर दी ना हाँ फिर मन से खेलती रहेगी। इसको लग रहा है सो रहे हैं। हाँ सो रहे हैं, ऐसा करो यार। यहाँ तो मम्मा इस बेड पे तो छोड़ने लायक ही नहीं है। हुकुम देखो यहाँ से आगे नहीं जा रही है। नहीं सब समझे, घुटनों से ही तो चलती है। हाँ वो भी तो है, पूरे घुटने तो आ ही गए नीचे, सही कह रहे हो। मैंने क्या किया सबको खांसी हो रही है, मैंने क्या किया सबको खाना खिला दिया है और अब मैं अपनी फेवरेट चीज बना रही हूँ। तो हुकुम का मुझे पता है मन ऐसा हो जाएगा कि यार पेट भरने के बाद बना रहे हो, लेकिन मेरा मन कर गया तो मैं क्या बना रही हूँ, समोसे। शायद आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे। मेरे को ना इसकी फ्रेंच फ्राइज और बहुत सारी चीज़ें जो आती है ना, चीज़ बॉल्स और सब कुछ पसंद है, और ये समोसे मैं पहली बार लेकर आई हूँ, तो आज मैं समोसे बनाने वाली हूँ। अब देखो ये कैसे से समोसे हैं, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि बने बनाए आते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस गरम करना है ऑयल और उसमें डाल देना है। तो ये कुछ इसमें से ना इस तरह का देखो मिनी समोसे हैं, ये इस तरह का कोई पैकेट निकला है, और अब इसमें से अपन निकालते हैं समोसे और फिर बनाते हैं। तो ये मैंने खोल लिया और मैं एक एक करके डाल रही हूँ। देखो इसमें ना रिस्क पॉइंट ये है क्योंकि फ्रिज में रखे हुए होते हैं तो इसमें पानी होता है। कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से समोसे हैं, कोई भी नहीं सिर्फ मैं ही खाएगी, मैं ही खाने वाली हूँ। और साथ में मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं जो ये सब्जी है उसके सैंडविच बना लेती हूँ, मुझे कोई भी आलू की सब्जी मिल जाए मैं उससे सैंडविच बना लेती हूँ। तो ये गर्मा गर्म अच्छे से मिनी समोसा तो बन गए हैं। अब यहाँ पे मैं सैंडविच बनाऊंगी अपने स्टाइल में और आपको भी बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ करूँगी डॉक्टर ओटेकर का जो है वेज मेयोनीज जो है, और मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाने वाली हूँ। पहले मैं क्या करूँगी, एक एक ब्रेड पे तो मैं मेयोनीज लगा लूँगी, उसके बाद में सब्जी को अच्छे से लगा दूँगी, और उसके बाद में मैं ये सॉस है ना ये इस पे लगा दूँगी। और सच बता रही हूँ आप घर पे कर लो अगर आपको पसंद है बिना मतलब ऐसे बाहर का और ऐसे सैंडविच खाना, और कभी कभी अगर आप घर पे खाना चाहो और जल्दबाजी में तो आप ऐसे खा सकते हो। तो चलिए बनाते हैं घर में देसी स्टाइल में सैंडविच। तो कुछ नहीं करना है, बस एक एक ब्रेड पे आपको दोनों तरफ नहीं तो एक तरफ लगा लो, जैसे मैं एक तरफ ही लगा रही हूँ। मेयोनीज लगा ली ये देखो, और उसके बाद में इन दो बाकी पे आप सॉस लगा दो, उसके बाद में उसमें जो भी आपके पास आलू की सब्जी है अगर उसे मैश करके लगाना चाहो तो वैसे लगा दो, वरना एज इट इज भी लगा दो अगर आपको वैसे पसंद आ रही हो तो, और बस हो गई। और अगर चटनी बनी हुई है तो वो भी ऐड कर दो। और मैं सच बता रही हूँ घर पे इतना प्यारा लगेगा ना ये सैंडविच, और कोई टाइम भी नहीं लगा आपको, और सही में बहुत यम्मी बनता है ये इस स्टाइल से। मैं तो बहुत बार ऐसे ही करती हूँ घर पे जब भी मुझे तो पसंद। मम्मा ने क्या है, जैसे ही मैं ना गई थी ना अंदर रूम में, इतने में तो मम्मा एक एक मेरे डिनर का समोसा छुप के खा गए। हाँ मम्मा अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लग रहा। तो ये है मेरा डिनर और ये मैंने दो सैंडविच बनाए हैं जो देख लो आप इस तरह से दिख रहे हैं। ये देखो टेस्टी टेस्टी सैंडविच, और ये मेरे टेस्टी टेस्टी समोसे, और इन माँ बेटों को मैंने खाना बना के खिला दिया समोसे खा लिया। और ये हमारे हुकुम है, इनको भी गुस्सा आ रहा है। मेरे लिए तो बनाए, अपनी टंकी बहुत बड़ी है। नहीं आपकी टंकी कितनी भी बड़ी हो, नहीं आप आपकी टंकी कितनी भी बड़ी हो नहीं चलेगा, कितना ही बनाओ आप। अभी देखो अभी खाती हूँ मैं, देखो आपके सामने क्या ये डिनर कर लिया आपने चलो फिर ठीक है, वो तो आपको नहीं खाना चाहिए। देखो ये तीन समोसे मेरे हैं, ये दो समोसे मैंने खा ही लिया। नहीं सैंडविच में वो तो सब में ले लूंगा, सब में ले लूंगा वो तो। क्या चीज़ है? मिनी समोसा है, और मैं दिखाती हूँ समोसे के अंदर क्या है।
ये तो टेस्टी, स्टफिंग है अच्छी खासी भरी हुई, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, डी मार्ट में कहीं भी आराम से मिल जाती है चीजें। अपन डी मार्ट से लाए थे हमेशा ऐसे ही करते है। सैंडविच ट्राई करो, मम्मा घर पे देखो, एक एक सेकंड में बना हुआ सैंडविच, बताओ सच बताओ टेस्ट लगेगा। हां तो खाओ ना फिर, मैं तो मजाक कर रही हूं। मैं तो खाती हूं। अरे मम्मा मैंने भी चपाती खाई हुई है ऐसे। डाला क्या मीनो ने? शौक से बनाया है। फिर डाल दो प्याज की सब्जी। सब्जी हां मैंने सब्जी डाली इसमें, तो पहले ही बोला है व्लॉग में, बता दिया था मैंने सब्जी, मैंने व्लॉग में बता दिया था कि मैं यही डाल रही हूँ भाई। जब भी टेस्ट लगी है सही मैंने बनाई थी। मम्मा क्या बोल रहे हैं, जब भी टेस्ट लगे क्योंकि सब्जी मैंने बनाई थी। मम्मा सैंडविच का टेस्ट तो करो, अच्छा बना। मम्मा का ना, मम्मी आज तो क्या आप सबने खाना खा लिया, इस संडे को ना मैं आप सबके लिए सैंडविच बनाऊंगी, प्रॉपर सैंडविच आलू का मसाला वगैरह बना के। बोल तो रहे बनाए जब ना। और अब बारी है फटाफट फटाफट किचन का काम करने की, तो मैं ना वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, फटाक से 5 मिनट में ये सारा किचन विचन मैं सब क्लीन कर दूंगी। रीज़न ये है कि मम्मा को उनका कहना है कि रात को ना लक्ष्मी जी आते हैं बेटा, तो आपको किचन एनी हाउस साफ करके ही सोना चाहिए। मैं नहीं करती हूँ तो हमारे मम्मा को हम खुद कर लेते हैं, तो मैं कर दूँ या तो मम्मा कर दें, मतलब ऐसा वाला होता है। हम लोग कभी भी कुछ भी जिसको भी जस चाहे वो कर लेता है। तो मैंने ये तेल वेल सब कुछ वापस से रख दिया है, परांत वरांत सब कुछ मैंने जचा दिया है, चीज़ें मैंने यहाँ से हटाई, मैंने गैस साफ किया, फिर पट्टी साफ की, फिर सारा चकला बेलन एक तरफ रखा ये सब कुछ। और जब दूध गर्म भी करना है क्योंकि मुझे दही भी जमाना है याद से, क्योंकि दही हमेशा मैं ही जमाती हूँ। मम्मा को हम बोलते हैं कि आपके हाथ से दही ना अच्छा जमता है, और क्योंकि दही ना मुझे ऐसा लगता है कि जो थैली वाला दूध है अपना सरस का ना, उसकी अच्छी जमती है। वैसे यहाँ वाली फैमिली ना गाय का दूध पीना पसंद करती है, लेकिन क्योंकि मुझे पसंद है सरस का दूध, इसलिए फिर मम्मा को मेरे लिए लेके आते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म चढ़ा दिया है, और क्योंकि मैं इतनी देर तक तो उसके पास खड़ी रह नहीं सकती, तो मैंने सोचा जो चालनी वाली प्लेट आती ना वो ढक के और कम आँच पर करके मैं बाहर बैठ जाऊँगी, और उसके बाद में मैं जब ये थोड़ा हो जाएगा गर्म और थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इस दूध को जमा दूंगी। तो चलिए अब रात को सोएंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह आवाज कैसी आ रही है ये? नहीं नहीं मुझे लगा नल खुला रह गया होगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं ये लगा लेती हूँ। नहीं यहाँ कुछ ठीक सा ही नहीं लग रहा। सुबह हो गई है, वही सारा रूटीन है, सुबह का काम वाम करना है। अभी क्या नवरात्रि चल रहे ना, तो पापा हुकुम जो है वो रात को पढ़ने जाते हैं रामायण मंदिर में, मतलब एक एक घंटे की सबकी बारी लगी हुई है, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं कॉलोनी में ना, तो पापा हुकुम की बारी लगी है 3 बजे। लेकिन पापा के साथ क्या है, वो बीच बीच में उठते रहते हैं, मतलब एक डर होता है ना कि मेरा टाइम कहीं मिस नहीं हो जाए। हालांकि वो अलार्म भी भरते हैं, लेकिन उनको एक ऐसा रहता है, इस चक्कर में उनकी नींद पूरी ही नहीं हो पा रही। तो देख लो पूरे घर में अंधेरा है, अभी पापा नहीं उठे, वरना पापा सबसे पहले उठ जाते हैं। मम्मा ऊपर छत पे है, नहाने के लिए गए हैं। मैं फ़िलहाल चाय बना के पी लेती हूँ, और खाना वाना बनाना धीरे धीरे शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पापा की नींद ख़राब हो जाएगी। और इधर हमारे इस वाले रूम में हुकुम और क्यू भी सो रहे हैं, तो मुझे वाकई सब कुछ धीरे धीरे करना होगा। चलो आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि आगे का व्लॉग ना मैं शूट ही नहीं कर पाऊँगी फिलहाल, क्योंकि घर में अभी कोई भी आवाज़ होना मना है। होप सो आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय, खमा गणेश सबको।